नमस्कार, रुआ लोग आज तक देख रहल बानी रुआ सभी के पसंदीदा भोजपुरी बुलेटिन एकदम चकाचक और तरोताजा अंदाज में हम लेके आयल बानी। राजनीति, क्रिकेट, चाहे कौनो अपराध और फिल्मी दुनिया के खबर हो, एकदम बढ़िया बढ़िया खबर बिना कौने मिर्च मसाला लगाएले हम रुआ खातिर लेकर आयल बानी। ई खबर रुआ खाती है त इहे लगी खबर किसन लागल, ई सब बतावल जाए तुरंत कमेंट करी। दिल्ली शराब घोटाला के मामला में अरविंद केजरीवाल के जमानत मिलल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आजू यानी बीएफए का दिने जेल से बाहर आ सकेले, बाकी रब उनकर रिहाई अटकल लुकत बा। हाई कोर्ट सुनवाई पूरा होखे तक अरविंद केजरीवाल के जमानत पर रोक लगा देले बिया। एक बेर फेरू एह मामला पर हाईकोर्ट में सुनवाई हो रहल बा। जस्टिस सुधीर जैन एह मामला के दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई करत बाड़न। फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट लंच ब्रेक खातिर जागल बा। एएसजी एसवी राजू ईडी की ओर से बहस करता रे, ऊ राउस एवेन्यू कोर्ट के आदेश के विकृत बतवले। एएसजी राजू कहले कि उनका आपन तर्क पेश करे खाती पूरा समय ना मिलल, कोर्ट कहलस जल्दी कर हमरा आदेश पास करे के बा, साथ ही लिखित तर्क भी लिहले। केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी कहले कि ईडी याचिका में हमारा एगो आपत्ति बा, अबूरी कुछ टिप्पणी मौखिक रूप से भइल बा, जवन सही नहीं खे। केजरीवाल के वकील आगे कहले कि ई जमानत रद्द करे के मामला हा, कानून तयबा। केजरीवाल के वकील कहले कि का हड़बड़ी रहे कि ईडी के छुट्टी के दौरान भी उ जमानत पे रोक लगावे खाती हाईकोर्ट से संपर्क कैलस। अब एएसजी एसवी राजू ईडी के ओर से तर्क पेश करता रे। एएसजी एसवी राजू पीएमएल के धारा 45 के हवाला देले। एएसजी राजू कहले कि एकरा में एगो महत्वपूर्ण शर्त बा कि जमानत आवेदन के सुनवाई करत घरी कोर्ट सरकारी वकील के आपन दलील पेश करे के पूरा मौका दही, लेकिन ए मामला में ऐसन ना भइल। निचला अदालत हमनी के जमानत के विरोध करे के पूरा मौका ना देहलस। नीट पेपर लीक के मामला में तेजस्वी यादव के निजी सचिव प्रीतम कुमार से पूछताछ हुई। आर्थिक अपराध इकाई उनुका के बोलावे के तैयारी करत ब्या। बतावल जा रहल बा कि ईओयू प्रीतम से पूछताछ खातिर ईओयू कार्यालय में फोन करी आ ओहिजा पूछताछ करी। दरअसल प्रीतम कुमार के पेपर लीक किंगपिन सिकंदर कुमार यादवेंदु से सीधा संबंध के लेखे बहुत तथ्य सोझा आयल बा। नीट पेपर लीक भइला के बाद सिकंदर यादवेंदु के पोस्टिंग तक सरकारी गेस्ट हाउस बुक करे में प्रीतम कुमार के भूमिका सोझा आवे लागल बा। ऐसे ईओयू ओकरा के बोलावे आ पूछताछ करे के तैयारी में बा। पेपर लीक के मामला में बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा भी बहुत तथ्य के खुलासा कईले बाड़े, अबूरी सिकंदर के लालू से सीधा संबंध के बारे में कहले बाड़े। नीट परीक्षा के मुद्दा पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा कहले बाड़े कि ई बहुत गंभीर मामला बा, अबूरी एकर जांच निश्चित तौर पर उच्च स्तर पर होखे के चाही, काहे कि ई मामला विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव से जुड़ल बा, उनकर पीएस कमरा बुक करके अनुराग यादव के ठहरावेला, ई दुखद आ दुर्भाग्यपूर्ण बा। विजय कुमार सिन्हा बतवले कि 1 मई के तेजस्वी यादव के निजी सचिव प्रीतम कुमार गेस्ट हाउस के कार्यकर्ता प्रदीप कुमार के फोन करके सिकंदर कुमार यादवेंदु खाती कमरा बुक करावे के कहले रहले। गुरुवार के भइल नीतीश मंत्रिमंडल के बैठक में 22 एजेंडा के मंजूरी मिल गईल बा। पटना में मेट्रो ट्रेन संचालन के लेके तेजी से काम चल रहल बा। अब पटना मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण के काम 3 चरण में हो रहल बा। पटना के बाद बिहार के अवरू 4 जिला में भी मेट्रो रेल परिचालन के तैयारी शुरू हो गई बा। बिहार के नीतीश सरकार मंत्रिमंडल के बैठक में आपन सैद्धांतिक मंजूरी दे देले बिया। एकरा मुताबिक बिहार के दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, अवरी, गया में भी मेट्रो रेल चलावल जाई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अध्यक्षता में भइल बिहार मंत्रिमंडल के बैठक में 22 से 26 जुलाई तक बिहार में विधानमंडल के मानसून सत्र पे भी सहमति बनल। एकरा अलावे लघु जल संसाधन विभाग के तहत मुख्यमंत्री निजी ट्यूब कुआं योजना के तहत 35,000 निजी ट्यूब कुआं लगावे खाती 266 करोड़ रुपया के मंजूरी मिल गई बा। बिहार सिविल कोर्ट के अधिकारी आ कर्मचारी नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण आ अन्य सेवा सभ्य संशोधन नियम 2024, आ बिहार चालक भर्ती आ सेवा शर्त संशोधन नियम 2024 के मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल गई बा। हरियाणा पर दिल्ली के आपन हिस्सा पानी ना देबे के आरोप लगावत दिल्ली के जल मंत्री आतिशी जंगपुरा के भोगल में
अनिश्चित काल खातिर व्रत शुरू कर दिहलन। एकरा से पहले वो मुख्यमंत्री के आवास पर जाके सुनीता केजरीवाल से मुलाकात कैले। एकरा बाद वो राजघाट गईले, अवूरी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के श्रद्धांजलि देले। एह दौरान संजय सिंह भी उनका साथे रहले। फास्ट साइट पर सुनीता केजरीवाल बतवली कि मुख्यमंत्री के जमानत मिलल, निचला अदालत के आदेश वेबसाइट पर अपलोड तक नहीं खे भइल, अवूरी ईडी हाईकोर्ट में चल गईल बा। लागता कि केजरीवाल सबसे बड़ आतंकवादी बाड़े। तानाशाही इतना बढ़ गईल बा कि मुख्यमंत्री के भी कानूनी अधिकार नहीं खे दिहल जात। उ जेल से भेजल मुख्यमंत्री के संदेश पढ़ ले। केजरीवाल अपना संदेश में कहले कि पूरा देश में भयंकर गर्मी होकता, तापमान 50 डिग्री तक पहुंच रहल बा, शायद 100 साल से इतना गर्म ना भइल होके, गर्मी कम ना किल जा सके, बाकिर कठिन समय में सबके मिलजुल के काम करे के पड़ी। हमनी के संस्कृति में, हमनी के गर्मी में प्यासल लोग के पानी देवे नी जा। दिल्ली के पड़ोसी राज्य से पानी मिलेला, जवन लोग के प्यास बुझावेला। एह गर्मी में आदमी के प्यास अधिका लागेला, ऐसे पानी के जरूरत अधिका होला। उम्मीद रहे कि कठिन समय में पड़ोसी राज्य से अवूरी समर्थन मिली। एह कठिन दौर में पड़ोसी राज्य हरियाणा दिल्ली के पानी के आपूर्ति में अवरी कमी कीलस। हमनी के देश के कवनो हिस्सा में रहत बानी जा, हमनी के एक दूसरा के मदद करे के चाही। मानल जाला कि दिल्ली या हरियाणा में अलग अलग पार्टी के सरकार बा, बाकिर का एह पर राजनीति होखे के चाही। पछिला कई दिन से तपत गर्मी, अवूरी गर्मी के लहर के सामना करे वाला बिहार के जनता के अब चिंता करे के जरूरत नहीं खे, काहे की बरखा ओ लोग के राहत देवे खाती आयल बा। मौसम विभाग बिहार के कई जिला में तूफान अवूरी बरखा के ऑरेंज अवूरी येलो अलर्ट जारी कैले बा। हाल ही में बरखा के नाम पर गर्मी से त्रस्त लोग के चेहरा जगमगा गईल बा। एसी या कूलर के मदद से गर्मी बितावे वाला लोग के अब गर्मी में बाहर निकले से डेराए के जरूरत नहीं खे। यहाँ के लोग तेज हवा के संगे बरखा के आनंद ले सकता रे। बिहार में बरखा आ गरज के ऑरेंज आ येलो अलर्ट जारी किल गईल बा। मौसम विभाग 18 जिला में येलो अलर्ट आ 20 जिला में ऑरेंज अलर्ट जारी किले बा। मौसम विभाग के मुताबिक ए जिला में धूल के तूफान, गरज अवूरी बिजली के संगे बरखा के संभावना बा। शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, वैशाली, समस्तीपुर, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, जमुई, बांका, कटिहार, पूर्णिया और मधेपुरा में तूफान आ बरखा के येलो अलर्ट जारी किल गईल बा। जानकारी के मुताबिक बिहार के 38 जिला में तूफान अवूरी बरखा के अलर्ट जारी कर दिहल गईल बा। मौसम विभाग के रिपोर्ट के मुताबिक आवे वाला सप्ताह में बिहार में बरखा के संभावना बा। ए दौरान हल्का से मध्यम बरखा दर्ज किल जाए, 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से तेज हवा चले के संभावना बा। रिपोर्ट के मुताबिक पूरा सप्ताह बिहार में बरखा के चलते लोग के गर्मी से राहत मिली, अवूरी तापमान में भी गिरावट आई। त लोग के भोजपुरी भाषा में आज तक के ई बुलेटिन कैसन लागल जरूर बताई, काहे कि हमनी खबर रुआ खातिर लेके आयल बानी जा। आ रुआ लोग के दिहल सुझाव हमनी खातिर बहुत जरूरी बा, आपन खूब ध्यान रखल जाए। कल फिर रुआ खाती खबर लेके आयल जाए भोजपुरी भाषा में।